नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको आवाज थोड़ी बदली बदली नजर आ रही होगी। ये चैनल पे सोच रहे होंगे कि हमेशा एक लड़की की आवाज आती थी, आज ये अचानक से पुरुष की आवाज आपके सामने कहां से आ गई। तो दरअसल आज शनिवार है और वीकेंड है। चैलेंज मिला था कि आप आज कुछ अलग बना करके दिखाइए, तो मैं कुछ नई चीज बना के दिखा रहा हूँ जो कि गर्मियों के लिए खास है। गर्मी में जैसे आपको, अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे हमेशा जिद करते होंगे कि कुछ अलग ठंडा चाहिए हमको। ठंडे में बाहर की चीजें सोडा वाली हो जाती हैं, घर में हम लोग नींबू पानी बहुत पिया करते हैं या कोई तरबूज या कोई भी फ्रूट जूस पीते हैं। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा सत्तू का जूस। कुछ लोग हैरान हो गए होंगे सत्तू क्या है, और जिनको सत्तू पता होगा वो सोचेंगे सत्तू का जूस क्या है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आखिरकार सत्तू होता क्या है। तो जो सत्तू है वो चने का आटा होता है, वो भी काले चने का आटा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि काले चने का या चने का जो आटा होता है उसे बोला जाता है बेसन, तो ये बेसन क्यों नहीं सत्तू क्यों है। तो इसको सत्तू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस चने को पहले भुना जाता है, उस चने को पीस दो अगर तो इस तरीके का आटा बनता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आटा है ये बेसन से आपको अलग नजर आ रहा होगा, इसमें थोड़ा एक भुना हुआ जो टेक्सचर होता है वो आपको इस आटे में नजर आ रहा होगा। तो इस आटे से और इस आटे को हम बोलते हैं सत्तू। अब इसी से आज हम शरबत बनाने आते हैं। इसमें आप बहुत कई तरीके से शरबत बना सकते हैं, पर आज मैं आपको एकदम सादा सिंपल शरबत बना के दिखाऊंगा जो घर में मौजूद चीजों से आप बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शरबत है, तो एक पानी लगेगा आपको। अब मैं यहाँ पे आपको दो ग्लास शरबत के हिसाब से जो मेजरमेंट बताऊंगा वो वैसी नहीं, मेजरमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ सत्तू कितना लेना है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी चीजें आप अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज रहेगी मेरा सत्तू का आटा। सत्तू का आटा आप देखें थोड़ा ऐसा है, भुरभुरा टाइप का रहेगा और रंग इसका जैसा मैंने बताया थोड़ा अलग दिख रहा है, बेसन के रंग के जैसा नहीं है। आपको लगेगा नींबू, मीठे के लिए आप शहद डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं या फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ा मीठा खट्टा और हल्का सा नमक चाहिए तो आप यहाँ पे काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक मैं इसलिए ले रहा हूँ कि काले नमक से एक अलग तरीके का अच्छा स्वाद आता है, मुझे तो वही बड़ा अच्छा लगता है काला नमक या फिर। और खट्टेपन के लिए आप नींबू का जूस ले सकते हो। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप पुदीना की पत्तियां या पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी एक अलग स्वाद आएगा आपके जूस में। अगर पुदीना नहीं है तो सिर्फ आप सत्तू का आटा लीजिए, मिठास के लिए कोई भी चीज ले सकते हैं चाहे शहद गुड़ या चीनी, और नींबू का जूस अगर आपको खट्टापन चाहिए। अगर आपको सिर्फ मीठा चाहिए तो फिर आप इसमें कोई भी मीठी चीज डालिए और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बारी बारी में आपको चीजें बताऊंगा कि हमको क्या क्या डालना है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि दो ग्लास जूस मैं आपको बना रहा हूँ। अब मैं आपको ग्लास भी दिखा देता हूँ, नहीं तो कई बार होता है कि कोई बड़े ग्लास बनाते हैं कोई छोटे ग्लास बनाते हैं। तो ये जो ग्लास है आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, इसके हिसाब से मैंने माप लिया है। अगर आप बड़ा ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप सत्तू का आटा थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते। इस ग्लास के मेजरमेंट के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, तो एक कप का माप है। आप देखिए मैंने कितना इस्तेमाल किया, एक ग्लास के लिए आप बना रहे हो तो दो चम्मच इस्तेमाल करना है यहाँ, क्योंकि मैं दो ग्लास के लिए बना रहा हूँ जो कि मुझे चैलेंज मिला था, तो उस हिसाब से मैं लूंगा 4 टेबल स्पून सत्तू का आटा। तो ये हो गया मेरा 4 टेबल स्पून सत्तू का आटा। जैसा मैंने बताया ना थोड़ा हेल्दी जूस बना रहा हूँ, तो इसमें मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ हनी या शहद। ये रहेगा लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने शहद लिया है जो कि मैं इसको मिक्सर में डालूंगा।
अभी इसमें सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी एक तरीके से पिसी हुई हैं, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप मिक्सचर में ही डालें। आप चाहें तो नॉर्मल कोई अगर बड़ा ग्लास है या जग है उसमें डाल के चम्मच से अगर मिक्स कर लेंगे तो भी हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सत्तू का जो आटा है उसके लंप्स ना बन जाए, उसके गोले ना बन जाए। तो अगर आप पानी ज्यादा लेकर के फिर उसमें आटा डाल दें तो लंप नहीं बनेंगे। अगर आपने उल्टा किया कि आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो उसमें लंप या जो गोले हैं वो बनने के संभावना आ जाती है। अब काला नमक डालने जा रहा हूं मैं। ये जो नमक है ये भी मैंने एक चौथाई जो टेबल स्पून है उसी हिसाब से लेके रखा है। ये नमक भी मैं इसमें डाल दूंगा। नींबू का जूस जो है ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी का नींबू ज्यादा खट्टा रहे, किसी का नींबू कम खट्टा रहे, तो उस हिसाब से आप अगर स्वाद में आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा खटास आपको चाहिए तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है पुदीना की, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। अब मैं इसमें पुदीना की 2-3 पत्तियां डाल दूंगा। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, थोड़ा बहुत की पुदीना की पत्तियां ली हैं। अब बर्फ, बर्फ जरूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो पहले डालें या बाद में डालें, आपके अनुसार है बर्फ। लेकिन मैं फिर भी 2 क्यूब्स जो है वो बर्फ के अभी से डाल रहा हूँ। पानी मैं डालूंगा इसमें 2 ग्लास के हिसाब से, आप पानी इसमें अभी डाल सकते हैं या फिर आप 1 ग्लास के हिसाब से डालें और बाद में ऊपर से भी पानी मिक्स कर सकते हैं। तो अब सारी चीजें हमने मिक्सर में तो डाल रही हैं, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब देखेंगे कि कैसे बना है, तो देखते हैं। अब इसमें कोई खास चीज नहीं है जो हमको देखनी है, बस इतना ही देखना है कि कोई लम्ब या नहीं है। बट जैसा मैंने बताया था, अगर पानी का अधिक मात्रा में रहता है तो लम्ब बनने की संभावनाएं ना के बराबर रहती हैं। तो यहाँ पे हमको किसी प्रकार का लम्ब नहीं नजर आया है। जूस अब हमारा बनके तैयार हो चुका है, बस इसको अब सर्व करना बचा है। अब देखिए, अब मेरे पास एक छोटा सा मटका था, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। बनके तो तैयार हो गया है, अब बस इसको हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब जूस बनके तैयार हो चुका है, एक ग्लास भर चुका हूँ, दूसरा ग्लास में थोड़ा स्टाइल से करना चाहता हूँ। 2 ग्लास जूस बन चुके हैं, जो मुझे चैलेंज दिया गया था मैंने आज बना लिया। देखता हूँ, पहले स्वाद खुद ले लेता हूँ कैसा है, तो उसके बाद जिसने चैलेंज दिया था उनको पिलाया जाएगा। स्वाद काफी अच्छा है, हल्का सा जो है पुदीना का फ्लेवर आ रहा है, नमक का अच्छा स्वाद आ रहा है, जैसा मैंने बताया था काला नमक काफी अच्छा लगता है, और सत्तू का जो एक स्वाद है, जिन्होंने सत्तू खाया उनको पता है कि सत्तू का एक अलग ही फ्लेवर होता है, वो हमको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक आसान सा रस है, जूस है, जिसको आप गर्मी में बना सकते हैं। जूस पीजिए, एनर्जी लीजिए। गर्मी के दिनों में एक तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है शरीर को, और दूसरा एनर्जी की जरूरत होती है। दोनों ही चीजें आपको इससे मिल जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक का बटन दबा लीजिए, मेरा चैलेंज था, मुझे ज्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। अगर दोबारा चैलेंज कोई मिलेगा तो मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए और भी वीडियो देखते रहिए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए।